कहके कि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सारी सिचुएशंस में होल्ड नहीं करते बट देन देयर केम अ प्रॉब्लम अगेन कि अगर आइंस्टाइन सही है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट कभी नहीं मूव कर सकता तो जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 3 10 8 मीटर पर सेकंड कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड को कभी अप्रोच नहीं कर सकता एंड इसको क्रॉस नहीं कर सकता लेकिन न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा था कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाई ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा और डिस्टेंस कर दें तो दैट इज द थिंग कि और इंक्रीजिंग डिस्टेंस से फोर्स डिक्रीज हो जाती है लेकिन अगर न्यूटन सही थे तो ये इंस्टेंटली होता है दैट इज हम लोगों ने डिस्टेंस चेंज किया इंस्टेंटली ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गई लेकिन आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक द आइडिया ऐसा इसलिए क्योंकि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ना तो कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट हो सकते एंड कोई इफेक्ट भी स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट नहीं हो सकता तो कोई भी कुछ भी ऑकर नहीं कर सकता है फास्टर देन लाइट स्पीड कुछ भी इंस्टेंटली नहीं होता है देन आइंस्टाइन ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड एग्जैक्टली exactly एक डी केयर्स आइंस्टाइन ने बहुत ही स्ट्रगल किया था बिटवीन दैट पीरियड एंड फिर एग्जैक्टली ही थेरी उन्होंने एक बार अपने फ्रेंड को एक लेटर भी भेजा था मैन ई वॉज ट्राइंग टू डिस्कवर अनदर थेरी जो कि लॉफ ग्रेविटेशन एंड स्पेशल रेलिटिविटी को यूनिफाई करे तो स्पेशल रेलिटिविटी उस टाइम बहुत ही फीम में थेरी थी एंड लाइक इसे बहुत ही ग्रेट थेरी कंसिडर किया जा रहा था लेकिन आइंस्टाइन ने मेंशन किया कि अब मैं ग्रेविटी प्रॉब्लम पे वर्क कर रहा हूं एंड इसके बाद अब मैं जो थ्योरी लाने वाला हूँ जो थ्योरी पब्लिश करने वाला हूँ रिलेटिविटी इज अ चाइल्ड्स प्ले इन इन फ्रंट ऑफ दैट थ्योरी तो उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी को एक चाइल्ड्स प्ले बोला था इन कंपेरिजन टू द ग्रेविटी प्रॉब्लम एंड इन दॉज द इयर ऑफ नाइनटीन फिफ्टीन वेन ही केम विद एक्चुअली माई फेवरेट सब्जेक्ट माई पर्सनल फेवरेट थेरी इन ऑल ऑफ फिजिक्स इंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑल्सो नोन एज सिंपली जनरल रिलेटिविटी यहां पे उन्होंने बोला कि ग्रेविटी जो हम लोग समझते हैं कि एक फोर्स है ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स जैसे हम कंसिडर करते हैं कि दैर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स इंस्टिट क्या होता है कि जो हमारे यूनिवर्स है पूरे यूनिवर्स में एक फैब्रिक है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं फैब्रिक ऑफ स्पेस स्पेस टाइम टाइम एक फैब्रिक की तरह है पूरे यूनिवर्स में इसकी एग्जिस्टेंस के बिना यूनिवर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता एंड ये जो फैब्रिक है ये फ्लैट नहीं है इंस्टेट जब हम इस फैब्रिक में कहीं मास या फिर एनर्जी रखते हैं तो ये फ्लैट नहीं इंस्टेंट कर्व कर जाती यहाँ पे आपने मास रखा तो यहाँ पे ये फैब्रिक कर्व कर जाएगी जैसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं लाइक वी राइटर वहां पे हम कोई भी हैवी बॉल रख सकते हैं सो इट जस्ट कर्व्स द सेम वे यूनिवर्स तो ये ऑल अराउंड तो जब ये कर्व करती है वेन द फैब्रिक इज कर्व एंड हम दूसरी थोड़ी लाइट ऑब्जेक्ट वहां पे रखेंगे तो ये कर्व रीजन में क्या होगा ये ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि यह हैवियर ऑब्जेक्ट के पास चली जाती है तो ग्रेविटी ऐसी कोई फोर्स नहीं है कि इनविजिबली ये एक्ट करती है इंस्टेंट एक मास इस फैब्रिक को कर्व करता है दूसरे मास को अगर हम उस कर्व रीजन में रखें तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है दिस इज जो कि हम लोग बोलते हैं कि इनविजिबल फोर्स नेम ग्रेविटी इंस्टेंट इट इज द वापिंग ऑफ स्पेस टाइम स्पेस टाइम कर्वड है नॉट फ्लैट देन आइंस्टाइन केम अप विद दिस थेरी जिसने इस थेरी uh, इस कंसेप्ट को सॉल्व कर दिया कि ये इफेक्ट इंस्टेंटेनियस नहीं होता है सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करती है जब हमने डिस्टेंस चेंज किया तो ये वेव्स के थ्रू जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल वेव्स सो इट इज अ बिट ऑफ़ कॉम्प्लिकेटेड वैन वी रियली टॉक अबाउट जनरल रिलेटिविटी अगर इसे हम कंपेयर करें विथ न्यूटन्स थेरी इवन आइंसटाइंस स्पेशल रिलेटिविटी सो दैट इज ऑल वी नीड टू नो कि अगर हमें बिग बैंग थेरी को समझना है नाउ अ लेट इस रिटर्न टू अ रियल टॉपिक जिसकी डिस्कशन होने वाली है दैट्स अबाउट बिग बैंग